First of all, the thing is, the government has invited me. Yeah. The governor has said that I'm invited. मुझे invite किया है, तो अब मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे कि नहीं आ सकते हैं. तो that is a bit. And government is saying that everything is okay here, everything is normal. So if everything is normal, then why are we not allowed out? It's a bit surprising. We want to go to the any area which is peaceful, and if it's 144, then I'm ready to go individually. I don't even everybody will go individually. We don't even have to go as a group. Subject: restrictions on the movement of political delegation within the territorial jurisdiction of district Badgam. Order: whereas it has come to my notice that political delegation consisting of following honorable members of parliament and other political leaders intend to mobilize people and hold protest on 24th of August 2019 after their arrival at Srinagar International Airport. In connection with recent parliament proceedings vis-a-vis abrogation of Article 370 of Constitution of India, Shri Rahul Gandhi, Shri Gulam Nabi Azad, Shri Anand Verma, Shri K.C. Venugopal, Shri Sitaram Yechury. No way at all? No. I was invited by the governor. We wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through, and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. It's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. Lekin bahar to jaane nahi diya. बाहर तो जाने नहीं दिया, लेकिन जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में वो भयानक, क्योंकि जो पैसेंजर्स कश्मीर के हमारी गाड़ी में थे, चाहे औरतें थी, मर्द थे, जवान थे, बूढ़े थे, उनसे जो कहानी हमने सुनी उसको बयान करना नहीं कर नहीं सकते. उसको अगर पेश करें लोगों के साथ तो पत्थर भी रोएंगे. इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं और यही हम देखने जाना चाहते थे, और शायद यही कारण है कि लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, और यही शायद कारण है कि मीडिया को भी कवर करने नहीं दिया जा रहा, और यही शायद कारण है कि स्टेट के जितने भी लीडर्स हैं, बड़े छोटे या मध्यम दर्जे के, उनको बंद रखा है ताकि कोई लीडर देख नहीं पाए. तो ये लोकतंत्र की हत्या है. जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ, कानून तो एक दफा पास हो गया, अब कानून की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन कानून को भी अब 3 हफ्ते पास हुए हुए, उसके बाद जो स्थिति है अभी भी जम्मू कश्मीर और विशेष से कश्मीर घाटी और जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट और कारगिल हिंदुस्तान से कटा हुआ है. वहां के लोग अपने परिवार, बच्चों, भाई बहने जो देश या विदेश में हैं, उनसे कटे हुए हैं. ये बहुत ही चिंता और फिक्र की बात है, और हम चाहते हैं कि जल्द ही सरकार को चाहिए, क्योंकि ये क्रिएशन केंद्रीय सरकार की थी. जम्मू कश्मीर शांत था, इतने पर्यटन वहां थे, इतने टूरिस्ट गए थे पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर से, इतने यात्रा करने के लिए लोग गए थे, शायद 5-6 साल में एक रिकॉर्ड यात्रा थी. इनको, यात्रियों को बुलाकर, टूरिस्ट को वापस बुलाकर, और एक ऐसा कानून बनाया जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि 3 हफ्ते से केंद्रीय सरकार को, जो उन्होंने हमालिया जैसी गलती की, उस गलती पर पर्दा डालने के लिए सारे स्टेट को, 1.25 करोड़ स्टेट को एक बंद करके रखा है पिंजरे में. वो न दुनिया के या देश के किसी आदमी से बात कर सकते, ना उनसे बात कर सकते. ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है.